घूम जाए। घूम जाओ। हाँ घूम जाओ। अरे एक राउंड लगा लो। घूम जाओ। ओके हेलो। ओके सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हर बार वे आ गया रिलीज। सलमान अली का गाना है विद ऑब्वियसली पूरम शुभम मैम एंड अंकित इज़ माई को स्टार। काफ़ी इंटरेस्टिंग शूट था आदिल शेख के साथ काम करके। इट वॉज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बिकॉज ऐसे लग ही नहीं रहा था हम शूट कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे लग रहा था क्लब का नंबर है, क्लब में है, पार्टी चल रही है। इट वॉज़ वेरी चिल, वेरी प्रोफेशनली शॉट आई वुड से। या ये शूट हमने किया है इधर ही वेलिनो क्लब अपस्टेयर्स। इनफैक्ट अब जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा आप सब ऊपर आएंगे तो आपको भी दिख जाएंगे वेन्यूज जो हमारे सॉन्ग में है। वेरी ब्यूटीफुल क्लब, आई लव द इंटीरियर्स। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया हमें शूट करके। एंड इस हाँ जी बात करें किस मूड का है ये, सो आप मुझे पता नहीं अगर आपको पता है बट इस वीक का ये मेरा हैट्रिक है। ये मेरा थर्ड सॉन्ग आया है ये वीक में। पहला जो मैंने किया था इट वॉज़ अ वेरी सैड रोमांटिक सॉन्ग, तो वो था सैड रोमांटिक सॉन्ग। सेकेंड वॉज अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग एंड दिस वन इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू मी बिकॉज इट्स अ डांस नंबर। मैं बचपन से 5 साल की उम्र से डांस करती आ रही हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी खास है बिकॉज आई गेट टू शो केस माई टैलेंट ऑफकोर्स। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग आई कैन शो माई डांस मूव्स एंड लाइक आई सेड इट वॉज वेरी नाइस टू हैव आदिल एज अ कोरियोग्राफर, सरीन एंड रणविजय एज वेल। एंड फॉर माई फैंस अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो मुझे पता है न्यू ईयर सब पार्टी नहीं करते, कुछ लोग वेकेशन में होते हैं, कुछ अकेले मनाते हैं और कुछ लोग पार्टी करते हैं। एज एन आर्टिस्ट आई फील वेरी लकी एंड वेरी फुलफिल्ड कि इस न्यू ईयर मैंने अपने फैंस को हर किस्म का गाना दिया है। मैंने उनको सैड रोमांटिक गाना दिया है, अगर वो आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहे, अगर कोई कपल्स हो जो रोमांटिक वेकेशन में गए तो उनके लिए मैंने रोमांटिक गाना दिया है। एंड फॉर द बेसिक अमेजिंग क्राउड हु गोज आउट एंड पार्टीज एवरी नाइट वी हैव लॉन्च्ड अ डांस नंबर दैट्स दरबारवे संग बाय सलमान अली हु नॉर्मली डज सूफी, बट या दिस वॉज अ फन एक्सपीरियंस। ये गाना काफ़ी कैची है, अगर आपने म्यूज़िक देखा होगा, म्यूज़िक बाय आमिर अली, वेरी वेरी अमेजिंग, तो आई एम श्योर ये गाना पिकअप होगा। मैंने आज सिर्फ एक रील डाली थी फ्रॉम द शूटिंग एंड लोग ऑलरेडी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार ये गाना तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई एम श्योर कि लोग काफ़ी पसंद करेंगे इस गाने को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू ईयर में भी याद रखेंगे कि 2023 की एंड में एक अच्छा हैट्रिक हुआ है। अगर हम आए हैं घर बार वे देखने तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, लड़कियों से कहना चाहूँगी कि ऐसे लड़के से प्यार करो जिसके लिए आपको घर बार छोड़ना ना पड़े। बचपन से पढ़ा किया क्या बोल, ऐसा नहीं। आई थिंक पेरेंट्स होते हैं दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर चाइल्ड, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहेंगे। सो अगर प्यार डिस्टाइंड है कि आपको साथ में रहना ही है तो देर शुड नॉट बी एन ऑब्स्ट्रक्शन। एंड एज इट इज़ सब प्यार मिलते नहीं है, कुछ ही मिलते हैं, तो अगर आपको मिल गया तो आप काफ़ी लकी हैं। अदरवाइज प्यार करो। ये एक ही लाइन क्यों बोल रही हूँ पिछले 1 वीक से, आई डोंट नो बट या दैट्स ओके। जी मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
पुराना हो गया डायलॉग, मैं प्यार किया है अभी, प्यार इज़ अ वेरी डिटेल्ड वर्ड, मैंने अपने करियर से प्यार किया है, मैंने अपने पेरेंट्स से प्यार किया है, मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार किया है, मैंने किसी पेट से प्यार किया है. सो प्यार इज़ अ वेरी, मैंने किताबों से प्यार किया, मैंने म्यूज़िक से प्यार किया है. सो आई थिंक आपका क्वेश्चन थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है. सो या